हाय एवरीवन, आई एम विनीता एंड वेलकम बैक टू विनीतास किचन। फ्रेंड्स, सर्दियों की सीजन में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही फ्रेश आती हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली के पत्ते की भाजी की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम आधा कप बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बेसन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये हल्का सा ब्राउन दिखने लगा है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मूली के पत्तों की बेसन वाली सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मूली के फ्रेश पत्ते लिए हैं। तो मूली के इन पत्तों को हम बारीक काट लेंगे। इनके जो डंठल हैं इन्हें हम काट कर अलग कर देंगे, हटा देंगे। मूली के इन पत्तों को हमने बारीक काट लिया है। हम इन कटे हुए पत्तों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे और इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। और मूली के इन पत्तों को हम 10 मिनट तक नमक वाले पानी में रखेंगे। इस तरह से रखने से भाजी, अगर कोई कड़क पत्ते वाली होती है या कोई कांटे जैसा होता है, तो वो नरम हो जाएगी। और 10 से 15 मिनट बाद हम इसका पानी छान लेंगे। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 से 4 हरी प्याज के ताज़ा पत्ते, और इन्हें भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। हरी प्याज के पत्तों की जगह आप सिंपल प्याज भी ले सकते हो। तो ताज़ा हरी प्याज के पत्तों को भी हमने काट लिया है और बेसन भी हमारा रेडी है, तो चलिए सब्जी बनाते हैं। मूली की बेसन वाली सब्जी बनाने के लिए हम एक आयरन पैन में 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल ले रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल को स्मोकी होने तक हमें गर्म करना है और हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन अब रोस्ट हो चुकी है, तो हम इसमें 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा प्याज। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटे हुए मूली के ये पत्ते, और अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर में ये पत्ते नरम हो जाएंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हींग और 1 चम्मच नमक हम इसमें डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से मूली के पत्ते और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसे एक ढक्कन से कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे। और अब हमें इसका पानी सुखाना है। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए थोड़ी। इसे हमें ज़्यादा देर तक ढककर नहीं पकाना है, अब हम इसे खुला ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पर मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भाजी को चलाते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है और अब ये थोड़ी ड्राई दिखने लगी है, तो इस टाइम पर हम इसमें 1/2 कप भुना हुआ बेसन डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मूली की भाजी में अगर पानी रहता है तो ये खाने में उतनी मज़ेदार नहीं लगती है, तो इसका पानी हमें बहुत अच्छे से सुखाना है। उसके बाद ही हमें बेसन इसमें ऐड करना है। बेसन को हमने भाजी में मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा गीला लग रहा है भाजी देखने में, तो हम मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये और ड्राई ना हो जाए। भाजी में जो एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने सुखा लिया है, तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, इससे भाजी में अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मूली की भाजी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि मूली की भाजी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई होनी चाहिए, तभी इसे खाने में मज़ा आता है।
मूली की बेसन वाली भाजी बनकर तैयार है, तो हम इसमें इस टाइम पर 2 टेबल स्पून कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट तक और चलाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, मूली की ये बेसन वाली टेस्टी भाजी बनकर एकदम रेडी है। आप इसे पराठा या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। See you soon with a new and tasty recipe. Take care and bye-bye friends. Thanks for watching Vinita's Kitchen.